पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, एक एक चीज़ हम बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और परिजनों को पूरा संतुष्ट करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि उनको एक एक चीज़ उनके सामने क्लियर करें। परिवार वाले कह रहे हैं कि हाथ बहुत टाइट पीछे से बंधे हुए थे, रेयर खिड़की थी वो कटी हुई थी। ये रेयर केस है, वो हमने देख लिया सारा, मौके पर भी देख लिया बारीकी से, खिड़की के बाहर से भी हमने सारा वो देखा है जाकर के, कोई आया हो गया हो। इस तरह के साक्ष्य कोई एविडेंस हमें अभी नहीं मिली है, क्योंकि जो रजिस्टर है वहाँ वो कोई डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल इंटेक्ट है वहाँ। और रूम पार्टनर साथ में आया था इसके, वो भी साथ रह रहा था। रूम पार्टनर अभी भी यही है, और रूम पार्टनर ही नहीं है, बच्चा सिंगल रहता था, और जो इसके 411 में रहता है, 410 में जो बच्चा रहता है, वो इसका स्कूल से वहाँ से जहाँ ये पढ़ते थे वहीं से क्लासमेट है, यहाँ भी साथ हैं। इसके अलावा दो बच्चियाँ और हैं जो एक ही स्कूल से थे, चारों बच्चे थे, उनसे भी हमने बात करी है, बारीकी से जांच कर रहे हैं सारा, सब लोग परिजनों को संतुष्ट। मर्डर के एंगल से भी जांच तो कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन छात्र अब तक कोई ऐसी साक्ष्य नहीं आया। छात्र के पिता कह रहे हैं कि पुलिस इसमें मामले को गंभीरता से नहीं नहीं बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे आईजी साहब कल मौके पर आ गए, एफएफएल जो हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ कर रहे हैं। अभी भी पूरा जो मौका है जहाँ बच्चा रहता है वो पूरा कैमरा से कवर्ड है, तो एक एक सेकंड एक एक मिनट का हमारे पास है, कोई कौन गया कौन आया कौन जाए, तो हम बारीकी से देख रहे हैं। पूरी लापरवाही है बासंती एजेंसी वालों की। मैंने 3.5 महीने पहले एलन कोचिंग में एडमिशन कराया था अपने बच्चे का, और बासंती एजेंसी में मैंने हॉस्टल दिलाया था अपने बच्चों को 25,000 रुपये महीने का, उसमें खाना वाना सब इंक्लूड था। तो मेरे बच्चे को ये लोग सुसाइड बता रहे हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं पीछे से, मुँह पर पन्नी डाल के गला घोटा गया है, उसका सीधा सीधा मर्डर किया गया और हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया। हम लोगों को रूम पार्टनर बराबर से लड़के का फ़ोन आया उसके फादर का कि आपके बेटे ने 10 बजे सुसाइड कर लिया है, और वो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सुसाइड है या मर्डर है। पीछे बच्चे के हाथ बांधे हुए हैं, मुंह पे पन्नी चढ़ा के गला घोटा हुआ है, पीछे फांसी लगा दी आपके बच्चे ने। अभी आपको ऐसा लगा कि बच्चा कोई? नहीं, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग था। नहीं, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग था। रात को 10 बजे उसकी बात हुई है मदर से, और खुश था वो, और उसके 94% मार्क्स आए थे, 12th में टॉपर था वो, और रूटीन टेस्ट में भी वो टॉपर था, 610 580 इस तरीके से उसके नंबर आ रहे थे। यहाँ पे अभी तक ना तो कोई हॉस्टल से आया है, नहीं ना एलन से कोई आया है, ना हॉस्टल से आया, सब इनकी मिली भगत है, इनका बहुत बड़ा सिंडिकेट है। हम लोग बहुत एक आम नागरिक हैं, हम लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इनका बहुत बड़ा सिंडिकेट है, पुलिस इनसे मिली हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा कि मुझे इंसाफ दिलाइए।